हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल एंजॉय लाइफ विद निशि शर्मा। आज मैं आप लोगों को अपने बेटे के चाइनीज स्कूल की सैर कराने वाली हूँ। जी, मेरा बेटा चाइनीज स्कूल में पढ़ता है और यहाँ पर वो एक ही इंडियन बच्चा है जो वो स्कूल में पढ़ता है। तो आज आप लोग देखेंगे क्या अंतर होता है चाइनीज स्कूल में और अपने इंडियन स्कूल्स में। देखिए, सभी चाइनीज़ बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, सभी बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आपको मैं अपने बेटे से मिलवाती हूँ। अभी देखिएगा, वो ब्लैक कलर की टी शर्ट में मेरा बेटा खेल रहा है। उसका नाम युवान है और वो भी अब सभी बच्चों के साथ मिक्सअप होकर के बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है। उसे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो चाइनीज़ समझता भी है और वो बोलना भी सीख रहा है। अब देखिए, सभी बच्चे कितने अच्छे से खेल रहे हैं, कलरफुल ड्रेसेस में अपनी स्कूल के गार्डन एरिया में एंजॉय कर रहे हैं। इनके लिए कोई भी ऐसा रूल्स नहीं है कि उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जाना ही है, ये उनकी चॉइस पर है। सभी टीचर्स उनका निरीक्षण कर रही हैं, बच्चों को देख रही हैं। बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, अच्छे से खेल रहे हैं और सारे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्सअप हैं। कुछ बच्चे फॉरेनर हैं इसमें, बट बहुत ही कम हैं। जैसे कि इंडियन बच्चों में सिर्फ मेरा बेटा ही है और कोई भी इंडियन बच्चा अभी स्कूल में नहीं है। बाकी और अरब देश से और कुछ और अदर कंट्रीज़ के बच्चे, कुछ अमेरिका के बच्चे, कुछ बच्चे अमेरिका के, कुछ बच्चे नेपाल से और अदर कंट्रीज से, इसी तरह कुछ बच्चे हैं बट अदर क्लासेस। इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए और आगे आप देखेंगे मेरे बेटे को आते हुए। ये देखिए, वो कितना एंजॉय कर रहा है सभी बच्चों के साथ, कितना अच्छे से मिक्सअप है। एक भी दिन उसको स्कूल जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही उसको रोना होता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। अब देखिए, यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी बच्चों की स्टार्ट करा दी गई है, टायर वाली। इसमें भी वो विन होना चाहता है, वो जीतना चाहता है, इस वजह से वो लेकर के भाग गया। और देखिए बच्चों की क्लास, बच्चों को कैसे बैठा गया है राउंड राउंड, और एक टीचर उनको अच्छे से एक्टिविटीज़ करा रही है, कुछ पोएम वगैरह लर्न करा रही है सभी बच्चों को, हैंड एक्टिविटी करा रही है, एक्सप्रेशंस वगैरह उनको सिखा रही है, पोएम वगैरह उन्हें बता रही है। इनकी टीचर इन्हें प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाती हैं। एक अच्छा सा प्रोजेक्टर इन्होंने लगा रखा है, टीवी वगैरह सेट कर रखी है, उसी पर अपना। तो आप देख रहे हैं, अभी बच्चों को इंग्लिश में पोएम सिखाई जा रही है। एक चाइनीज़ टीचर इंग्लिश पोएम सिखा रही है और ये इंटरनेशनल स्कूल है, इस वजह से कुछ बच्चों को इंग्लिश वगैरह सिखाई जाती है। अदरवाइज़ चाइना में इंग्लिश को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, इसलिए किसी को भी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। जो बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, सिर्फ उन्हीं को इंग्लिश सिखाई जाती है। तो अब यहाँ देखिए, बच्चों को इंग्लिश पोएम टीचर बच्चों को सिखा रही है और बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं। आप ऐसी वीडियो देखते रहिए, आपको आगे बहुत सारी चीज़ें बच्चों के स्कूल के बारे में देखने को मिलेंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कैसे बच्चों को वन बाय वन बुलाया जा रहा है और वो उस एक्टिविटी को दोबारा करके दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्कूल का ऑडिटोरियम। यहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ बैठाया गया है, पूरे स्कूल के बच्चों को एक साथ बैठाया गया है और यहाँ पर ऑडिटोरियम में फंक्शन कराते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराते हैं, बच्चों को स्टेज पर बुलाते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है उनकी परमानेंट प्रैक्टिस कराई जाती है। सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। अभी ये जो प्रैक्टिस हो रही है, इसी ही को ये लोग एनुअल फंक्शन में फिर करते हैं। अभी यहाँ पर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही है और उसके लिए सारे बच्चों को इकट्ठा किया गया है और इन सबको एंटरटेन किया जा रहा है। बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, सारे बच्चे बहुत खुश हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं। और स्टेज पर जिन बच्चों का मंथली बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, उनका केक कट कराया जा रहा है, उनको कैप्स वगैरह पहनाई गई हैं। आप देख सकते हैं सारे बच्चे कितने खुश हैं। सारी टीचर्स येलो कलर की यूनिफॉर्म में साइड में खड़ी हुई हैं, उन पर पूरी नज़र रखी हुई हैं, कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। और स्टेज पर जिन बच्चों की बर्थडे पार्टी है, वो सब केक काटा जा रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, वो सब इंजॉय कर रहे हैं। टीचर्स उनको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है बर्थडे, वो सिखा रही हैं, आप देख सकते हैं। अब आइए, आपको हम बच्चों की कुछ क्लास एक्टिविटीज़ दिखाते हैं जब उनको गेम्स कराए जाते हैं। वो देखिए, मेरा बेटा वाइट कलर की शर्ट में और ब्लैक कलर की पैंट में वो चेयर पर बैठ जाता है और वो हर बार विन हो जाता है, वो जीत जाता है, उसे क्योंकि जीतना बहुत पसंद है। अब देखिए, वो अगेन वो गेम में
कैसे बैठता है। अब आप आगे देखिए, यहाँ पर फिर से क्लास की एक्टिविटी, टीचर बच्चों को पोयम सिखा रही है, उन्हें प्रोजेक्टर के माध्यम से वीडियो दिखा रही है और साथ में उन्हें एक्सप्रेशन करके बता रही है। उन्होंने एक माइक भी यूज़ कर रखा है जिससे सभी बच्चों को प्रॉपर सुनाई दे। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ सब बच्चों के लिए दे रखी है। सभी बच्चों के बैग टीचर्स के हैंडओवर होते हैं, उन बच्चों को बैग के साथ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना पड़ता है, किसी का सामान मिक्सअप नहीं होता है। सारे बच्चों का बैग रखने की अपनी एक स्पेस होता है, उनका बैग वहीं पर रखा जाता है, बच्चों को उनके हैंडओवर नहीं किया जाता है, जिससे कि कोई बच्चा कुछ लेकर के आया है तो इधर उधर मिक्सअप हो जाए या किसी को कोई हार्म पहुंचा दे, कोई ट्रायज वगैरह ले आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सारी टीचर्स बच्चों का सामान खुद अपने हाथों से ही सेट करती हैं। येलो कलर की टी शर्ट में मेरा बेटा बैठा इंजॉय कर रहा है, ये उसकी फेवरेट सीट है, दैट्स वाई ही लाइक्स टू सिट देयर। एंड सारे बच्चे कलरफुल ड्रेस में हैं, किसी बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए प्रेस नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर बच्चे को मेरे कुछ क्राफ्टिंग सिखाई जा रही है। सारे बच्चे अच्छे से पेपर पे आइसक्रीम क्ले के थ्रू बना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और इसी तरह हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी बच्चों को कराई जाती है, किसी दिन पेंटिंग कराई जाती है, किसी दिन कुकिंग कराई जाती है, डांसिंग कराई जाती है, सिंगिंग बच्चों से कराई जाती है, साथ में उन्हें हारमोनियम सिखाया जाता है, फुटबॉल सिखाया जाता है, ऐसे ही हज़ार तमाम चीज़ें उन लोगों को सिखाई जाती हैं। अभी इस वीडियो में आपको पेंटिंग करते हुए दिखाया जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी अदर एक्टिविटीज़ भी दिखाऊंगी और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। साथ ही में इनके हर एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग रूम अवेलेबल हैं। ये पेंटिंग का रूम है तो जब पेंटिंग का टर्न आता है तो क्लासेस के बच्चों को पेंटिंग रूम में ले जाया जाता है और वो वहाँ पर अच्छे से क्राफ्टिंग और पेंटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं पीछे बैग्स बच्चों के आराम से लगे हुए हैं, ये नहीं कि बच्चों के बैग इधर उधर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो रखने के लिए, बट सारा कुछ टीचर्स खुद ही। अब देखिए बच्चे को फिर से कुछ खाने के लिए दिया गया है क्योंकि बच्चे को 4 times मील दी जाती हैं स्कूल में। और अब यहाँ पर देखिए सारे बच्चों से एक्टिविटी रूम में बॉल्स के साथ एक्टिविटी कराई जा रही है, गेम्स हो रहे हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चे से फ़न करते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा एरिया है, मेरे बेटे का ये फेवरेट एरिया है, यहाँ पर वो आता है, वो बहुत इंजॉय करता है और वहाँ वो जल्दी वापस जाना भी नहीं चाहता है। वो देखिए वहाँ पर वो रेड कलर की टी शर्ट में इंजॉय कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों की कुकिंग क्लास स्टार्ट हो गई है। यस, बच्चों को कुकिंग क्लास कराई जाती है, उनको प्रॉपर शेफ ड्रेस पहनाई गई है। कितनी प्यारी ड्रेस बच्चों ने पहन रखी है आप देख सकते हैं। सारे बच्चों को ये सारी ड्रेसेस स्कूल से अवेलेबल होती है, जैसे पेंटिंग की क्लास में पेंटिंग की ड्रेस और कुकिंग की क्लास में कुकिंग की ड्रेस स्कूल की तरफ से अवेलेबल है। और जब स्पोर्ट्स होता है तो स्पोर्ट्स की ड्रेस भी बच्चों को स्कूल की तरफ से ही प्रोवाइड की जाती है, सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। और ये देखिए बच्चे क्या बना रहे हैं, ये कुकीज़ वगैरह कुछ बनाते हैं, केक वगैरह बनाते हैं। उसके बाद ये देखिए मेरा बेटा भी कुछ यहाँ पर कुकिंग कर रहा है और ये कुकिंग करने के बाद बच्चों को पैक करके घर पे भी भेजते हैं पेरेंट्स को टेस्ट करने के लिए। तो मैंने भी टेस्ट किया है, बहुत ही अच्छा बच्चे बनाते हैं, काफ़ी हाइजीन तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए अब ये दूसरी क्लास स्टार्ट होगी यहाँ पर और अदर एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, जैसे कि बच्चों को ब्लॉक्स वगैरह दिए गए हैं जिससे उनकी काफ़ी चीज़ें सीखने की बहुत ज़्यादा स्किल डेवलप्ड होती है। आप देखिए मेरे बेटे को ब्लॉग्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो नई नई चीज़ें क्रिएट करता रहता है, इससे बच्चों की बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ ग्रोथ करती है। और ब्लॉग्स बनाना बच्चों के लिए सबसे हेल्दी गेम है और काफ़ी सेफ़ भी होता है और इसमें उनकी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं वेस्ट होती है। देखिए यहाँ पर कितना इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, कलरफुल ब्लॉग्स लेकर के उनको ज्वाइन कर रहे हैं, न्यू डिज़ाइन बना रहे हैं और सारे बच्चे अब देखिए कैसे इंजॉय कर रहे हैं। आगे भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा बच्चे किस तरह से इंजॉय करते हैं स्कूल में। ये मेरा बेटा देखिए यहाँ पर कितना प्यारा खेल रहा है, कितना खुश है, अच्छे से इंजॉय कर रहा है और सारे ही बच्चे कुछ ना कुछ बना रहे हैं। पेंटिंग क्लास स्टार्ट्स। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसा कि सभी बच्चों को पेंटिंग ड्रेस पहना दी गई है, सबको येलो कलर की एक पेंटिंग ड्रेस दी गई है जिससे उनके कपड़े गंदे। अब देखिए उनकी सारी ड्रेसेस सेफ हैं और उनकी यूनिफॉर्म गंदी भी नहीं होगी, इसलिए उनको अलग से पेंटिंग क्लोथ पहना दिया गया। कितना प्यारा है और सारे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। पूरी पेंटिंग के बाद आप देख सकते हैं बच्चों को स्पोर्ट्स ड्रेस पहना दी गई है, कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चे इस कलर में। और सभी बच्चों को एक जैसे स्पोर्ट्स ड्रेस पहना दी गई ताकि उनके कपड़े और। अब सभी बच्चे यहाँ पर अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं,
बॉल्स वगैरह खेल रहे हैं, तरह तरह के गेम्स कराए जा रहे हैं। बहुत बड़ा ये एक एरिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें।